कोता ही नहीं बरतता। अगर तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे जो अनुदेशक हैं, इन लोगों की तनख्वाह में सुनता हूं, कुशल मजदूर जो है मनरेगा का, कुशल मजदूर को जो मजदूरी मिलती है वो भी नहीं मिल रही है। मतलब ग्राम प्रहरी को तो जो ये उस प्रशासन की अंतिम इकाई को जो दे रहे हैं वो तो शर्मनाक है, मतलब देने में भी शर्म आना चाहिए। जबकि अन्य राज्यों में इन्हें जमीन दी जाती है खेती के लिए, उस परिवार को 5 एकड़ से 10-10 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दी गई है और कई सुविधाएं भी दी जाती है, फिर भी वहां भी आंदोलनरत है, जो दिया जाता है पर्याप्त नहीं है। मेरा मानना है शिक्षा पे तत्काल ध्यान देना है। अभी मुझे लगा है कुछ दिनों में पहले सरकार वहां पे थोड़ी सी चेती है और सामने चुनाव को देखते हुए हमें उम्मीद है कि यदि आप आवाज उठाएंगे तो ये होगा। मैं चाहूंगा इस शिक्षक संघ जो है अभिभावक संघों के साथ हाथ मिलाए, जितने भी शिक्षक संघ है, क्योंकि बच्चे को योग्य बनाना, शिक्षा देना दोनों का काम है, अभिभावक का और शिक्षकों का। अगर शिक्षकों को अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, वो घर परिवार की तरफ से निश्चिंत नहीं रहेंगे तो अच्छी शिक्षा कैसे देंगे। आज अभी विक्रम सिंह जी बता रहे थे हम 4 पीरियड लेते हैं, 6 पीरियड लेते हैं। मान लीजिए विक्रम जी आपको केवल 2 ही पीरियड पढ़ाने के लिए बोले सरकार, 2 पीरियड 3 पीरियड, तो बाकी 3 पीरियड में आप क्या करिएगा? आप बताइए, मनरेगा की मजदूरी कर लेंगे क्या? आपका तो दिन गया ना, आपसे 2 पीरियड पढ़ाओ या 4 पीरियड, आपका तो पूरा दिन गया, पूरा महीना गया, तो आपको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए। जो सरकार को सोचना है कि 3 पीरियड पढ़ा रही है कि 5 पीरियड पढ़वा रही है, ये नहीं कि 2 पीरियड पढ़ाएंगे तो ये अनुदेशकों को आधी तनख्वाह दीजिए। कहीं से भी ये न तर्क संगत है, न न्याय संगत है, न किसी एक सभ्य समाज में शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए। मुझे लगता है अभी भी आपके मुख्यमंत्री जी तक ये बात पूरी तरह से, इसकी बातें नहीं पहुंची है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग साथ ही अन्याय ज्यादा दिन तक जारी रहेगा, उस तक पहुंचाइए उन तक। ये चौकीदार किसने बनाया? ये चौकीदार कौन लेके आए थे? चौकीदार अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेजों के टाइम की व्यवस्था है ये, उनको सुधारने के लिए, चीजों को खड़ी करने के लिए बहुत सारी चीजें बदलने की आवश्यकता है। पर आप अभी क्या बोला त्रिपाठी जी ने कि बच्चा नहीं रोएगा तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। आज दर्द है तो उस दर्द का एहसास सरकार को भी है। सरकार कोई भूत नहीं चलाते, सरकार भी इंसान चलाते हैं, वो भी उनमें भी संवेदनाएं होती है, वो भी हमें और आप में से ही लोग होते हैं। तो आपकी पीड़ा का जितना अंदाजा आपको है उससे ज्यादा अंदाजा हम लोगों को भी है। हम भी उस पीड़ा को समझना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका निवारण किया जाए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। और एक और आज हम बता देते हैं आपको, शिक्षाविदों के साथ बैठे तो कई चीजें समझ में आती है। इस देश में 3 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष तक बच्चे को स्किल शिक्षा, इंग्लिश की बोलचाल, संस्कृति के शब्दों की बोलचाल, हिंदी के शब्दों की बोलचाल शुद्ध रूप में अगर गार्जियंस ने और टीचर ने सिखा दी तो 14वें साल के बाद वो बच्चा भगवान के भरोसे हो जाता है। फिर उसमें बदलाव आते हैं शारीरिक, मानसिक, और वो अपर क्लास में पढ़ने के लिए निकल जाता है। फिर वो खुद सोचने लगता है। उस समय तक अगर बच्चे में आपने बढ़िया स्किल दे दिए, आपके बच्चे को कोई फेल करने वाला नहीं है, आपके बच्चे को कोई जॉब से रोकने वाला नहीं है, आपके बच्चे को कोई स्किल में रोकने वाला नहीं है। और ये बात बड़े पते की है, और इस सब पर सबको चर्चा करनी चाहिए। और इस सब पर चर्चा करने के लिए खास करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री को लगाम कसने की जरूरत है। जो प्राथमिक विद्यालय में चाहे तो वे शिक्षा मित्र को अनावश्यक परेशान करते हैं हेडमास्टर, और खुद लंबलेट रहते हैं, दिन भर कुर्सी पर सोने के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं। चाहे वो उच्च प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर हैं जो अनुदेशक को चतुर श्रेणी कर्मचारी भी न मानते, उनके दिन भर बोल कसते रहते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मैं आपकी एब्सेंट लगा दूंगा, मैं आपका वेतन रुकवा दूंगा, मैं आपका रिन्यूअल नहीं करूंगा, मैं आपका ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। और हम मनोज जी अभी इन सब पर रोकने के लिए इसलिए जरूरी है, वो अनुदेशक अपने वेतन के लिए नहीं लड़ रहा है, आपके आने वाले उस भविष्य की चिंता कीजिए। तो 3 वर्ष से लेकर 13 वर्ष का बच्चा इन्हीं शिक्षा मित्रों, इन्हीं अनुदेशक के अंदर रहकर डेवलप होना है।